अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ आर्ट्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 4 to 10 हम लोगों ने आज क्या करना है कि इनके क्वेश्चंस करने हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 + 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस 1/x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू ये है तो हम लोगों ने x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने कल किए थे कि इसको हमने किस तरह रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ही उसके बाद, अब देखें x की तो हमारे पास है लेकिन 1/x की नहीं है, तो उसको करने के लिए हम लोग 1/x पहले निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 + 2 और 1/x जो है वो क्या है, 1/x इज इक्वल्स टू 1/√5 + 2। अब हमने 1/x को पहले रैशनलाइज करना है तो 1/√5 + 2, अब ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 स्क्वेयर, ठीक है, और -2 स्क्वेयर। अब √5 - 2 डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 2 = 4, √5 - 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, इसके साथ डिवाइड होगा 1 तो ये आ जाएगा √5 - 2। ये हमारे पास 1/x की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास थी x की, इसकी इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, हमारे पास 1/x ही थी, ये हमने ये कर दिया 2 का नेम। अब हमने x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है, x प्लस 1/x हमने फाइंड आउट करना है। तो x की जगह हम x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू थी √5 + 2 प्लस 1/x फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू थी √5 - 2। ये √5 + 2 प्लस √5 - 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, √5 √5 हो जाएगा, 1 और 1 2 √5। ठीक है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर ली। अब हमने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हमने ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, x प्लस 1/x, स्टूडेंट्स हमने x + 1/x ही करनी थी, तो x + 1/x इज इक्वल्स टू उसकी यहाँ लिख दिया, और x + 1/x का आंसर क्या आया था हमारे पास, 2√5 था, तो हम 2√5। अब बाई टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि हमने x² + 1/x² की फाइंड आउट करनी है, बाय टेकिंग स्क्वेयर, ठीक है, x + 1/x² इज इक्वल्स टू 2√5 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू 2√4 और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 5 x², ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, +2 + 1/x² इज इक्वल टू 4 × 5 = 20। अब ये 2 एक्स्ट्रा है तो x² + 1/x² इज इक्वल टू 20 - 2 x², ये प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, इसलिए x² ये वाला प्लस था यहाँ के 2 माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 18। अब x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और 1/x की भी फाइंड आउट कर ली, यही स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना था।